हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आज से मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ गया न्यू ब्लॉग वीडियो मैं इसे बनाने वाला हूँ, और मैं आज जैसे कुछ बोलूँगा नहीं, बस जय श्री राम दोस्तों। मैं अंधु भाइयों के लिए जय श्री राम बोलूँगा, और मैं आशा करता हूँ आप लोग सपोर्ट करें मेरा न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज आप लोग ज़्यादा सिर्फ कुछ ऐसे घुमाऊँगा, फैक्ट्री दिखाऊँगा और मुंबई की कुछ दिखाऊँगा, मौसम कैसा है देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। और मैं चल रहा हूँ, अभी जाऊँगा, थोड़ा आपको इंटरटेन करूँगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये हरियाली मेरी आँख में थोड़ा लग गया है, थोड़ा दर्द हो रहा है, पैन आइज प्रॉब्लम हो गया। चलो तो गाइस, कैसे आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हमारा न्यू ब्लॉग वीडियो में ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दिन से बना रहा, कुछ वायरल नहीं हो रहा। तो मैं चल रहा हूँ आपको कुछ नया चीज़ दिखाने के, तो आप लोग एक मिनट रहिए, अब कुछ नया चीज़ दिखाऊंगा आपको आज। लो, एक मेरा दोस्त जा रहा है आगे, आपको फ्रेंड करके दिखाता हूँ। वो देखो जा रहा है, और मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। क्यों बोला, चलते हैं दोस्तों। 300 का पंखा लिया था, मतलब हवा तेज देगा। ये देखिए मुंबई गड्ढे, सीधी देखो। और मैं आपको दिखा रहा हूँ एक पेड़, जो एंटीक है, बेस्ट है और एंटीक है। ऊपर छाया, नीचे छाया, फिर नीचे से फिर पूरा छाया नीचे। तो मैं आपको फ्रेंड करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। चलो गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक पेड़, ये पान टपरी है। पान टपरी के ऊपर देखिए झाड़ कैसा है, एंटीक झाड़ है ना। ऊपर छाया, नीचे छाया, बीच में छाया, और ये पान टपरी है। यहाँ पे वड़ा पाव, समोसा, कटलेस जो भी बनता है, बेस्ट एंटिक चीज़ है। ऐसा झाड़ मुंबई में देखने को मिलेगा, बेस्ट। स्टिक्ची ट्रांसपोर्ट, ये फैक्ट्रीज। राम राम दोस्तों, मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगा बेस्ट, और इससे एंटीक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आप लोग अच्छा लगा वीडियो, और मेरे वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करो और ज़्यादा शेयर करो।